राजा फरमाए कि कर घूमे मुझको ज़ियारत तो कहूंगा उनसे, कर घूमे मुझको ज़ियारत तो कहूंगा उनसे, सारी उम्मत गए, सारी उम्मत गए परेशान रसूल अरबी, सारी उम्मत गए परेशान रसूल अरबी। शेर साहब नुमानी और मुजाहिदुल इस्लाम तनवीर अख्तर शाहनवाज गजाली और डॉक्टर जमील साहब, वो भी मऊ से आए हैं और रिश्ते में मेरा भांजा लगेगा, मैं उसका मामू लगूंगा। ये 50 के नोट लेके मत आइएगा, ये खैराबाद है। पेश करता हूँ एक शेर, लहजा फरमाएं कि सबके ताबों में अफजल बिलाशक है सुबह, कि सबके ताबों में है अफजल बिलाशक है सही, सबके भाई भाई और पेश करता हूँ बतौर खास लहजा फरमाए, जाहिद भाई सुनिएगा, पढ़े कि हर फूल में कहता है, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि हर फूल में कहता है गुलदान निर
के तागे हर फूल महके तागे गुलदानी निराला लागे हर फूल महके तागे गुलदानी निराला लागे अरे सर को सीरत का सरकार के सीरत का उन्मान निराला गए सरकार के सीरत का भाई मुझे याद नहीं है कई सालों के बाद में नया नाम पढ़ा शायद उसी का असर है सौ रुपया बाकी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ शमशेर भाई आप पाना पाना इतना बड़ा मोबाइल लेके चल रहे हैं अरे ये 500 आपके माशाल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर माशाल्लाह ये शमशेर भाई तरफ से गाजी जमाल की तरफ से बाकी ये भी लेके आएंगे अब देखिए जब मस्जिद की बात आ गई अल्लाह के घर के लिए तो कोई इनकार कर सकता है मैं कैद नहीं लगाऊंगा कि आप 500 की नोट लेके आए आप 10 रुपया दीजिए दिल खोल के दीजिए अभी लेके आइए राशि जमा दिल भाई नहीं है उनका थोड़ा अधूरा काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं वरना मेरी औकात ही क्या पेश करता हूं लहजा फरमाए कि गुलदान निराला गए कि मेरा जिगर सब पगले नबियों पहुँचाबो सुल्तानी निराला गए फिर ऐसे पे पहुँचाबो सुल्तानी निराला गए सरकार की सीरत का कि क्यों उनको किस्मत की बल्दी पे क्यों ना वो उनको अल्लाह के कारोबार और तरक्की अता फरमाए देखिए अभी गाड़ी चल रही है 100-100 की नोट आ रही है 500-500 की नोट आ रही है साहब बाबू मुझको भी चूना लगाए हो आप भी कत्था लगा लो यहाँ आके पेश करता हूँ कह दीजिए सुभान अल्लाह कि सरकार की सीरत का कि बन जाए शरीयत को लब आप जरा खोले बन जाए शरीयत को लब आप जरा खोले
इन बच्चियों के हवाले से एक मसला मैं पढ़ूंगा तो मुजाहिद भाई के दोस्त हम सबके भी दोस्त तारिक नसीबा वो जरूर यहाँ आएंगे। बेटियों के हवाले से मसला है और वो 100 रुपए लेके आएंगे इंशाल्लाह। कह दीजिए आमीन। अरे आमीन तो बोल दो जोर से। जो लेके आने वाले हैं उनके हक में तो दुआ कीजिए। दुआ हो गई आमीन बोल दीजिए। एक बार पूरा मजरा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह और मचल के बोले सुभान अल्लाह। कि जिनके घर पेश करता हूँ बतौर कि उनके घर में जन्नत की खेतियाँ नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियाँ नहीं होती। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं गोती। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं गोती। ये मतलब पे अल्लाह इन बेटियों को इन बच्चियों को सलामत रखे। एक बार फिर ये मतलब पढ़ता हूँ तारिक नसीबा साहब मुलाजा फरमाए कि उनके घर में जन्नत की खेतियाँ नहीं गोती। उनके घर में जन्नत की खेतियाँ नहीं गोती। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं गोती। फारूक भाई माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए आमीन। फारूक भाई बहुत अच्छा आपने शेर पढ़ा है। अच्छी तर्जमा ने की है और बेटियों की आमद हो रही है। इस हवाले से चार मिसरा आप सुन ले जरा सा सुभान अल्लाह आप कह दें मैं पढूं निजामत आप करें कि जमाने भर में बड़ी है शान बेटी से। कह दें सुभान अल्लाह। जमाने भर में बड़ी है शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। अरे जरूरी नहीं बेटों से नाम रोशन हो मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी नहीं बेटों से नाम रोशन हो मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। पढ़े भाई अच्छी तर्जमानी जिंदाबाद। अकमल भाई आपकी शादी होगी होगी आपको कैसे मालूम नहीं हुई है हो गई सनत के साथ बोल रहे माशाल्लाह। देखिए अब आगे क्या बोलने वाले हैं। देखिए एक तरफ आप हैं तो एक तरफ मसूद भाई बैठे हैं। राशिद भाई का काम हो गया अब एक एक शेर और पढ़ता हूँ माँ के हवाले से और शायद मसूद भाई की शादी होगी तो माँ और मलका में फर्क क्या है। जिनकी बीवी है वो उनकी मलकाई होती है। पेश करता हूँ अगर ये शेर अच्छा लगे तो अकमल भैया थोड़ा सा मेरे लिए अल्लाह के घर में दुआएं दे दीजिएगा हौसला बढ़ा दीजिएगा। पढ़ता हूँ फारूक भाई। देखिए आज मसूद भाई आज शादी की बात की है आज ईद का दिन है और अगर जिनकी शादी हुई है वो कितनी कुर्बानी देकर के इस महफिल में आए आप सोच सकते हैं। इसको शेर बहुत अच्छा पढ़े शेर बहुत अच्छा पेश करता हूँ मतलब ये बच्चों की जिम्मेदारी है। बेटियां नहीं गोती। कि मेरे घर की मलका भी
काती है मेरे घर के मल का भी प्यार से पकाती है मेरे घर के मल का भी प्यार से पकाती है तेरी माँ के हाथों से रोटियां तरीके पर शादियां नहीं होती नारे तबे नारे तबे जाते जाते चार पिसरे पढ़ देता हूँ राजा फरमाए एक बार पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह कि दीवानों तो एक काम करो और ये भी सुबह को शाम करो दीवानों तो एक काम करो और ये भी सुबह को शाम करो इस्लामिक परचम हाथ में लो इस्लामिक परचम हाथ में लो पैगामिन बोत आम करो इस्लामिक परचम हाथ में लो इस्लामिक परचम हाथ में लो पैगामिन बोत आम करो ये दुनिया गया चैन का जन्नत में चलो आराम करो ये दुनिया गया चैन का जन्नत में चलो आराम करो ये दुनिया गया जन्नत में चलो।